अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम निकले व्लॉग बनाने के लिए। जूनस भाई भी हमारे साथ है, ये देखो ड्राइविंग कर रहा है। आज हम जो है बाइक पर जा रहे हैं, थोड़ा सा दूर है मंजिल आज का, तकरीबन 7 किलोमीटर है। उधर बड़ा पहाड़ है जो कि उत्थानों के नाम से जाना जाता है। आज हम जा रहे हैं वहाँ पर। अभी मजा आएगा ना। ये देखो जुबैर भाई और यूनुस भाई साथ में है, तो आगे चलते हैं और आगे भी बहुत कुछ एंजॉय कर लेंगे। तो शुक्रिया, इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे ये देखें, ये गाड़ी जो था बाइक वो पूरी तरह से यहाँ पर चिपक गया है और रास्ता नहीं है। मैंने आपको कहा था ना, रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। हम जो है फिर भी आपके लिए व्लॉग बनाते हैं और इस जैसे रास्तों से भी जाते हैं पहाड़ की तरफ। से देखें, यूनुस भाई ने बाइक को जो है निकाला है और अभी आगे चलते हैं। तो गाइस ये देखें, फिर से जो है यहाँ पर रास्ता बहुत ख़राब है और यहाँ पर यूनुस भाई गाड़ी निकाले तो फिर चलते हैं। ये देखें, बहुत ही गाइस जो है रास्ता ख़राब है और गाड़ी ये देखें भाई। गाइस रास्ता जो है बिल्कुल से भी नहीं है, लेकिन क्या करें, आपके लिए तो व्लॉग बनाना है ना, इसीलिए आई हूँ। ये देखें बहुत ही ऊंचा पहाड़ है आगे, उसके पार हम चलेंगे। और ये देखें यूनुस भाई कैसे जो है बाइक को ले जा रहा है, और यहाँ पर रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, पहाड़ी इलाका है। तो हम जो है जुगाड़ के साथ जा रहे हैं और आगे भाई एक नदी है, इसमें आगे पानी भी है, तो अभी पानी से भी क्रॉस कर जाएंगे। थोड़ा सा इसमें बारिश जो था कल था आज नहीं है, मौसम बाकायदे भी ऐसे है, देख सकते हो बारिश फिर भी आने वाला है। और ये जुबैर भाई पानी पी रहा है, फिर मैं भी पानी पीता हूँ, फिर निकलते हैं। तो गाइस अभी मैं पानी पी रहा हूँ, ये बहुत ही साफ नदी है ऐसे से। वो यूनुस भाई भी जो है पानी पी रहा है, तो पानी पीते हैं फिर आगे निकलते हैं। हमने अभी पानी पी लिए तो चलते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पर जो है रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, और वो देखें यूनुस भाई जो है वो बाइक को ले जा रहा है और हम उसके पीछे जो है पैदल जा रहे हैं। गाइस जो है हम बाइक अभी यहाँ पर ठहर कर फिर आगे जाते हैं, बाइक यहाँ पर ही छोड़ देते हैं क्योंकि आगे बिल्कुल भी जो है बाइक का रास्ता नहीं है। तो चलते हैं आगे और आगे भी बहुत ही इंजॉय करेंगे। आगे बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम है होथियानो के नाम से जाना जाता है, और एक बहुत ही पानी का नदी है, वो भी आपको दिखाएँ। तो गाइस अभी हम जो है एक बड़ा सा तालाब है यहाँ पर, उसी के पास पहुँच गए हैं। ये देख सकते हैं आप कितना जो है बड़ा तालाब है। गाइस ये देख सकते हैं इतना सा जो है ये तालाब है, और ये तकरीबन 12 माह जो है पानी अटक करता है, 12 माह पूरा चलता है इसमें पानी जो है वो माल मवेशियों को काम देता है। और अभी तो सावन का मौसम है, इसी वजह से बारिशें पड़ी है तो ये फुल है, लेकिन जब बारिशें ख़त्म होती है और सारे पानी ख़त्म हो जाते तो फिर भी इसमें जो है पानी होता है, और फिर जब सावन का मौसम आए तो फिर ये भर जाता है। इसी वजह से ये बहुत ही बड़ा जो है नदी है, तालाब है, और ये बिल्कुल भी इसका जो है पानी वो कभी ख़त्म नहीं होता है,
इस सावन के मौसम में ख़त्म होता है तो फिर नहीं ख़त्म होता है, इसमें भर जाता है तो फिर उसी सावन के मौसम में फिर भी जो है वो फुल हो जाता है। हाँ ये देखें जी है प्यास जो कि पहाड़ों में होता है, गजब बेइज्जती है। वो प्यास है जी और अभी इसको जुनस भाई निकाल रहा है, देखते हैं कि इसको कैसे निकलता है और ये कैसा होता है। इसको जो है निकालना भी बहुत ही मुश्किल काम है। गाइस ये जो प्याज है ना ये बारिशों के बाद पहाड़ों में होता है। तो गाइस ये है ये प्याज, देखिए निकल गया है, अभी बाहर जुनस भाई ने निकाला है। देखिए ये बिल्कुल ही जो है व्हाइट कलर का है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा पानी देखेंगे वहाँ पर, इसको धो लेंगे और फिर भी आपको दिखा लेंगे। तो गाइस अभी हम जो है जब बाइक से उतरे थे ना उस वक्त से लेकर अभी तक हमने जो है 1.5 घंटा पूरा इधर तक पहुँचने में लिया है। तो अभी भी देखो पहाड़ी आगे है और उसी तक जाने के लिए अभी भी हमको जो है 1/2 घंटा पक्का लगेगा। आगे चलते हैं और देखते हैं। परेशान है ये घटाएं तेरे बिन हैरान है, ये हवाएं तेरे बिन परेशान है, ये घटाएं तेरे बिन हैरान है। कर रही है रुत भी तो तेरा ही गम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। देखें ये छोटू जो है मवेशियों के साथ है और ये अभी जा रहा है इसी से जो है दूध निकाल रहा है, फिर दूध लाएगा और फिर हम जो है चाय बनाएंगे और पीएंगे। देखें ये दूध निकाल रहा है यहाँ से, इस बकरी से जो है दूध निकाल रहा है, दूध निकाल रहा है जो है चाय बनाएंगे। जुनस भाई बैठा हुआ है एक बकरी से जो है दूध निकाल लिया है और फिर दूसरे बकरी से वो दूध निकाल रहा है। ये देखेंगे जुबेर भाई की लकड़ियाँ निकाल रहा है और ये भाई ये देखें वो दूध निकाल रहा है बकरी से और हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जुबेर भाई जो है वो ये देखे लकड़ियाँ लाई जाएंगे और अभी आग जला रहा है, आग पर हम जो है चाय लगाएंगे और पियेंगे। चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम।
खबर ना सकी, तेरे आने की खबर ना सकी। याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी। हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। गाइस ये देखें आज मौसम भी जो है बिल्कुल बारिश आने वाली है उसी तरह है, और ये है आगे वो बहुत ही बड़ा पहाड़, लेकिन ये बहुत दूर है तो हम इस तक आए हैं, और अभी इससे आगे जो है पैदल नहीं जा सकते, थक गए हैं, और इसी वजह से अब चल रहे हैं वापस घर। तो आपको वापसी का भी वीडियो दिखाते हैं। गाइस जो है अभी हम बाइक के पास पहुंच गए हैं, और अभी अपनी बाइक को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे कल के वीडियो में।